वेलकम टू बैक माय कुकिंग हाउस। सो गाइस, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कहवा। तो ये कहवा के इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले ये मैंने ली है लौंग पत्ती, ज़्यादा नहीं है, हाफ टी स्पून। और ये है अदरक, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। ये 2 टीस्पून चीनी है। और 2 टुकड़े लिए हैं हमने दालचीनी के। और 5 से 6 अदरक हमने ली है लौंग। और हमें एक बर्तन में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ले लेना है। यहाँ मैंने पानी ले लिया है। अब हम इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे पानी में उबाल आने लग गया है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। हमने इसमें अदरक ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग और दालचीनी। और इसमें हमने दालचीनी और लौंग भी ऐड कर दिए। अब थोड़ी देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद, हमने पत्ती ऐड कर देनी है। इसमें हमने पत्ती और चीनी एक साथ ऐड कर दी है। अब आपको मिलते हैं 2 मिनट बाद। जैसा कि मैंने बोला, 2 मिनट बाद मिलते हैं। मैं फिक्स 2 मिनट बाद आपके साथ हाजिर हूँ। देखें, हमारे कहवे का कलर ब्लैक ब्लैक होने लगा है। लाइट ब्राउन है, अभी ब्लैक होना बाकी है। और ये बात याद रहे, हमें अपना फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं रखना हमें इसमें। लो फ्लेम में ज़्यादा अच्छा कवर होता है। देखिए, हमारा कहवे का कलर डार्क होते जा रहा है और हमारा कहवा तैयार होने ही वाला है। सिर्फ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 5 से 6 मिनट पकाना है। और एंड के अंदर इसमें नमक ऐड कर देना है, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून। नो, मैं मज़ाक कर रही थी, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नहीं। इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करना है। फिर इसके बाद इसको आपने मिक्स भी नहीं करना है, ये खुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएगा। और अपने कप में निकाल लेना है। देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कहवा तैयार हो गया, रेडी हो गया। इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने बताया था, उतना ही ऐड करना है, 1 चुटकी। और ये बहुत ज़्यादा ही हॉट होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।